ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस क्लास एंड टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक नेम्ड कनेक्टिव या कंजंक्शन और कनेक्टर्स। जी कंजंक्शन और कनेक्टिव। कोई इनको कनेक्टर्स भी कह देता है, कोई इनको लिंकर्स भी कह देता है। लिंक मतलब जोड़ने वाला, है ना, या ज्वाइनर भी कह देता है कोई इसको। समझ रहे हैं ना आप? अब ये एक्चुअली होता क्या है, आप इस बात को समझ लो जरा। ये जो कंजंक्शन होता है वो होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला, है ना। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ जोड़ने का काम करते हैं किसी चीज को। अब किस चीज को जोड़ेंगे भाई, भाई किस चीज को जोड़ेंगे, आप भी समझते हो। ये कोई किसी टूटी हुई चीज को तो जोड़ेगा नहीं, है ना। हाँ मतलब ये सोचो आप कि भैया हमारा कप टूट गया उसको जोड़ दें, या ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स या ज्वाइंस। कंजंक्शन की स्पेलिंग गलत है। ओहो, कंजंक्शन। अब ए कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये, समझ रहे हो बात को। यस सर। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखना आप। मतलब मेन तो वर्ड्स को जैसे आप सुनो यहां पर, गणेश एंड सुरेश आर माई फ्रेंड्स लिखा ना मैंने एक सेंटेंस। यस अब यहां पर दो वर्ड हैं, एक तो गणेश है, ठीक है ना, और एक क्या है यहां सुरेश। पर, सुरेश। ये दो वर्ड हो गए ना, और दोनों को हमने किससे जोड़ा, एंड से। तो एंड क्या हो गया, कनेक्टिव हो गया। आपको बात समझ में आ गई, यस बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेन बात, बेसिक बात को समझो पहले तो आप। तो अब ये क्या कहलाएगा, ओहो कनेक्टिव। इसकी इतनी हिम्मत, ओहो क्या कहलाएगा ये, कंजंक्शन। कनेक्टिव ठीक है, चलेगा, कंजंक्शन भी लिख दूंगा तो। यस सर। नाराज तो नहीं हो, नो सर। पक्का? नो ओके, ये हो गया कनेक्ट, कंजंक्शन हो गया यहां पर ही। ओ माय गॉड, बड़ा समझदार होता है ये। कंजंक्शन हो गया ना। यस सर। यस
यहां तो इसने क्या किया है, वर्ड्स को जोड़ दिया, जोड़ दिया ना। यस सर। हाँ, अब सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है ये देखो जरा ध्यान से। अब ही इज, ये बड़ा समझदार है यार, इसको जिस मोड पे ले आते हैं उसी मोड पे काम करता है ये। ही इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस हुआ, दिख रहा है और बड़ा करूं? दिख रहा है। नो सर, दिख रहा आप है बोल दिया करो आप, है ना सर। हम भी कर सकते हैं बड़ा। नहीं, आप तो कर ही सकते हो, पर मैं कर दूंगा तो सबको ही दिखेगा ना वो। और एक मैंने कहा शी इज इंटेलिजेंट, दो सेंटेंस हो गए कि नहीं हो गए भाई? यस हो गए सर। ना, दो सेंटेंस हो गए ना ये। Yes, ही इज ऑनेस्ट और शी इज इंटेलिजेंट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं जोड़ूं तो कैसे बनेगा देखो आप। ही इज इंटेलिजेंट एंड शी इज, ओ सॉरी, होने से पहले आएगा वो तो बोलना था ना। था सर, चेक कर रहा था आपको कितना ध्यान है आपका। ओहो, he is honest and she is intelligent. अब देखो एक सेंटेंस हो गया ना अब ये। ऊपर वाले में कितने सेंटेंस थे? एक दो, टू सेंटेंसेस नहीं है क्या? टू सेंटेंसेस। अरे सर, मैं सूची गणेश वाले में पूछ रहे हो आप। सर, थोड़ा जमाना खराब हो गया है। तो हम यही सोच रहे थे। और नीचे वाले में क्या हुआ है, दोनों सेंटेंसेस को मिला के अपन ने एक ही बना दिया ना। यस सर। कनेक्टिव लगा के बनाया ना। यस सर। यस सर। समझ में आई बात आपको? यस सर। कनेक्टिव क्या लगाया अपन ने? एंड। एंड लगा दिया ना। Yes, समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. सच बताना बिल्कुल। बिल्कुल सर। वेरी गुड, क्लियर हुआ आपको बात? Yes, yes, sir. Yes, sir. ये कंजंक्शन हो गया ना। yes, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पर, सेंटेंसेस को जोड़ दिया। Yes, अब ये जो सेंटेंस को जोड़ा ना इसने, दो क्लॉज बन गए यहाँ पर। क्या बन गए? सेंटेंस तो एक ही रहा ना, समझना जरा यहाँ पर बात को आप। हाँ सर, क्लॉज दो हो गए। क्लॉज तो दो हो गए ना इसके अंदर। यस सर। यस सर। आपको समझ में आई है बात? यस सर। यस सर। हाँ सर, ऊपर वाले में सेंटेंस दो थे और नीचे वाले में क्लॉज दो है। ऊपर वाले में वर्ड, दो वर्ड्स को अपन ने जोड़ा है। नहीं सर, ये जोड़ने से है ना, दो सेंटेंस है ना। हाँ, ये दो सेंटेंस है। और इससे नीचे वाला जो, जिसको एक सेंटेंस बनाया, एक ही हो गया ना ये तो। एक ही हो गया ना ये तो। हाँ, लेकिन उसको क्लोज दो हो गए। क्लोज दो हो गए इसके अंदर। क्लोज की पहचान क्या होती है? यही होती है ना कि फाइनाइट वर्ब, जितनी फाइनाइट वर्ब है उतनी। He is honest, इसमें एक finite verb आ गई, is. Yes sir. She is intelligent, इसमें एक finite verb आ गई, is. Is. Yes sir. पहले वाले clause का जो finite verb है is उसका subject है he. Honest उसका complement है. दूसरा वाला जो clause है उसकी finite verb है is, इसका subject है she. She. Intelligent उसका complement हो गया. Yes sir. समझ में आ रही है बात आपको? Yes, तो ये कंजंक्शंस जो होते हैं बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, समझ लीजिए आप बात को। yes. है ना? Yes, yes, अब देखना जरा, समझना, बाद में बताऊंगा डिटेल में तो मैं आपको कि ये कौन सा कंजंक्शन क्या काम करता है। पहले आप इसको समझो, मान लो हमने एक सेंटेंस कहा ही, तो यार बड़ा समझदार है। मान लो हमने यहाँ पर कहा ही इज पुअर,
ठीक है। यस सर। फिर मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। यस सर। देखो अब सुनो मेरी बात को, अब यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही आ रहा है दोनों में, यस सर, वर्ब भी एक ही आ रही है दोनों में, यस सर, सब्जेक्ट कॉमन है ना दोनों में, यस सर, वर्ब भी कॉमन है, यस सर, लेकिन थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि वो गरीब है लेकिन फिर भी आ गया ना यहाँ पर बात, यस सर। तो यहाँ पर कनेक्टिव कौन सा लगेगा, शायद आप समझ रहे होंगे, बट यस ही इज पुअर पुअर बट ऑनेस्ट ऑनेस्ट, यस सर। अब यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट एक ही कॉमन आ रहा है और वर्ब भी कॉमन आ रही है, वर्ब भी कॉमन आ रही है, बस जो डिफरेंट चीज है ना, अपन इसको पूरा भी ले सकते हैं, अपन ऐसे भी कह सकते हैं बट ही इज ऑनेस्ट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। वही दो क्लॉज आ गए ना? यस सर। यस सर। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। लेकिन अब कनेक्टिव हमने कौन सा लगाया, इसमें बट लगा दिया, बट ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, एक एक कनेक्टिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कनेक्टिव को अपन किस तरीके से किस रेफरेंस में अपन यूज करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यस सर। यार ये क्या है, अरे दो भाई किसी चीज की, अरे जिद्दी हो गया कि ये तो बड़ा जिद्दी हो गया है, सर थोड़ा ऊपर करो ना, लो जी नाराज मत हुआ करो तुम, ये लो, अब सही है सर, बस नाराज मत हुआ करो बस सर, नहीं होते हम, पक्की बात? हाँ सर। इतने बेशरम हो, बेशरम ये हो गया कंजंक्शन यहाँ पर, क्लियर हो गया मेरी बात, समझ में आ गई आपको? Yes, पता है अलग अलग तरह के कंजंक्शन होते हैं, वो अपन अभी बात करेंगे, पर कंजंक्शन का काम क्या होता है पहले वो तो समझ ले अपन। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक और देखो आप, आई इसका मैं ढूंढना पड़ेगा कीबोर्ड का क्या है इसका, अरे आई शैल, खट से पकड़ लेता है गलती है, राइट आइदर ए स्टोरी और ए पोएम, समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर जो कनेक्टिव है ना वो क्या है पता है, आइदर आइदर और समझ में आई बात आपको? yes, मतलब कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, पर नया इस सेंस में है कि अभी तक अपने को इनका केवल ऊपरी सतह पर मालूम था, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। आइदर इतनी दूर हो जाता है क्या वर्ब के बाद, आई शैल राइट ए, फिर इतनी दूर आइदर, अरे तो मैं नीचे लिखना है ना मेरे को अंडरलाइन करके, पागल? वैसे नहीं सर, ये सब्जेक्ट हाँ, वो तो कनेक्ट करेगा ना, ये तो कंपाउंड कनेक्टिव्स होते हैं एक्चुअली। अच्छा हाँ, तो वो आइदर और के यूज में तरह आइदर और नाइदर और कुछ होते ना ऐसे, यस सर, तो वो तो दो चीजों को कनेक्ट करेंगे तो हो ही जाएंगे ना, या तो ये या वो, यस सर, यस सर, इसलिए वो उसको करना पड़ेगा ना अपने को, है ना? यस सर। ये बड़ा भाषण है यार, समझ रहे हो यार, देखो क्या चाहता है सर, कुछ गड़बड़ हो रही है, वो तो गड़बड़ तो हो ही रही है, तो पता करो ना,
अब यार मैं या तो करूं, आपने अंडरलाइन सेलेक्ट कर रखा होगा। नहीं कर रखा ना मैंने, वो तो मैं आपको दिख ही रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आपके सामने पूरी स्क्रीन तो दिख रही है। कीबोर्ड भी अच्छा दिख रही ऊपर नहीं, ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा आपको, ऊपर वाला नहीं सर, दिख रहा एम होगा। लिख दिया, कहाँ लिख दिया बता, अभी सही कर दिया आपने। ये कंजंक्शन हो गया ना, यस सर, यस और ये भी कंजंक्शन हो गया ना। यस सर, ऐसे ये कंजंक्शन होते हैं कई सारे, अब समझ में तो आ गया होगा आपको कंजंक्शन क्या होता यस है ना। सर, कंजंक्शन क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा आपको। यस सर, आ गया सर, कंजंक्शन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ड को, इज ए वर्ड या वर्ड्स, इज ए वर्ड या फिर यहां पर कह दीजिए वर्ड्स, ज्यादा भी होते हैं ना, यस सर, जैसे आइदर और वाला हो गया, जो कि वर्ड्स को या सेंटेंसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का जोड़ते काम करते हैं। ठीक है ना, आप कैसे कनेक्ट करने काम करते हैं ये मैंने बताया आपको अभी, क्लियर हुआ आपको यस सर, है ना। अब मैं यहां पर आगे जो बात ले रहा हूं ना आपको, वो मैं ले रहा हूं कि कितने प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं, समझ गए बात आप। यस सर, काइंड्स, बड़ा समझदार है तो, ऑफ, सर उधर देखो, अंडरलाइन पे आपने क्लिक कर रखा है, वो उधर अब शो हो करा है रहा है। मैंने, अब कर रहा है ना मैंने, अब कर रखा है ना मैंने, तो अब अच्छा तो मेरे सर, को करना ही है कंजंक्शन। ठीक है, यस सर, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। अभी कितने प्रकार के होते हैं ये अपन देखेंगे यहां पर, मेनली अपन इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, यस सर, हाँ, अब इनको कैसे अपन डिवाइड कर रहे हैं यहां पर देखो जरा। एक तो अपन ले रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख रहा यस हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, यस सर, ये ले लीजिए, ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, चलो मैं यहीं से लिखना शुरू करता हूं इसके बारे में। ये एक ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो इक्वल रैंक के जो क्लॉजेस होते हैं ना, एक्चुअली क्लॉजेस मैं आपको समझाऊं ना, मैंने अभी आपको बताया, पहले बताया भी और फिर बताऊंगा जब मैं आऊंगा, तो क्लॉजेस पता है कैसे होते हैं, क्लॉजेस दो तरीके के होते हैं, मतलब क्लॉजेस एक तो ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट, एक जो इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप, यस जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कोई सा भी क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है ना, जो कोई सा भी क्लॉज किसी भी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि जो भी इतने भी क्लॉज होते हैं ना उनको अपन क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं अपन उनको। यस कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जो दूसरे क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मेरी बात समझ में आई आपको। यस सर, जैसे मैंने यहां पर ये क्लॉज की बात की थी, ही इज ऑनेस्ट और शी इज यस इंटेलिजेंट, ये दोनों सर, क्लॉजेस जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं ये, यानी कि एक क्लॉज को बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि हम दूसरे क्लॉज को बोले ही बोले, बस मेरी बात समझ में आ गई आपको। यस सर, यहां पर मैं अगर ये लिख दूं ब्रैकेट में, ब्रैकेट
क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स. इक्वल रैंक का मतलब क्या हो गया, बराबर के हो गए ना दोनों. Yes, sir. बराबर के का मतलब क्या हो गया कि दोनों को हम इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं. तो इक्वल रैंक के हो गए ना दोनों, बराबर बराबर के हो गए कि नहीं हो गए. Yes, sir. एक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहेंगे. कैसे, देखो आप, इफ यू इनवाइट मी आई शैल कम. ठीक है. Yes. अब यहां पर कनेक्ट कंजंक्शन क्या है, आप पहले इस बात को समझ लो एक बार हल्के से, बाकी तो डिटेल में फिर अपन बाद में करते रहेंगे. आप हल्के से थोड़ा सा समझ लो इसमें कंजंक्शन क्या है. इफ है ना कंजंक्शन. Yes, sir. और दो क्लॉज हैं इसमें. दो क्लॉज कहां तक हो गए, ये देखो मैं यहां पर अगर ये कर दूं, ये दिस. Yes, sir. दो क्लॉज हो गए कि नहीं हो गए ये. Yes, sir. हो गए ना. Yes, sir. और आप, मैं इसको अलग करके दिखा दूं आपको, ये हो गया. Yes, sir. एक ये हो गया यहां पर, हो गया ना. Yes, sir. और बीच में मैंने स्लैश आपको समझाने के लिए लगाया है, अपन जब लिखेंगे तो स्लैश नहीं आता है बीच में. यस सर. क्लियर हो गई बात आपको. और ये क्या है, यहाँ पर ये कंजंक्शन है ना. यस सर. खाली सी से चला दूं चल जाएगा. यस सर. ये कंजंक्शन हो गया ना. अब आप अगर ध्यान से देख रहे हो ना, एक क्लॉज कौन सा है इसमें, इफ यू इनवाइट मी. दूसरा क्लॉज है आई शैल कम. आई शैल कम. Yes, अब अगर आप देखो ना ध्यान से, तो एक क्लॉज को तो आप इंडिपेंडेंटली बोल सकते हो. किसको, मैं आऊंगा आई शैल कम. समझ में आ रहा है. Yes, sir. लेकिन दूसरे वाले क्लॉज को भी बोल सकते हो क्या, आप बोल के देखो जरा. नो सर. अगर तुम मुझे बुलाओगे तो आगे कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या पूरा हो गया. आना चाहिए. लग रहा है ना, महसूस हो रहा है ना. Yes, sir. इसका मतलब ये जो क्लॉज है ना, इफ यू इनवाइट मी, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये. क्लियर हो गया. Yes, sir. अब मैं यहाँ पर अगर ये लिख दूं ब्रैकेट में, वन क्लॉज is depend on other. मेरी बात समझ में आई. Yes, sir. और मैं आपको यहां पर समझा के लिख दूं कि ये वाला जो क्लॉज है ना, कौन सा, यू इनवाइट मी है ना. Yes, sir. यार ये तो बड़ा जोरदार है. ये डिपेंडेंट हो गया है. डिपेंडेंट क्या हो गया, ये डिपेंड हो गया. ये हो गया कि नहीं हो गया. Yes. अच्छा, डिपेंड किस पे हो गया, ये इस वाले पे हो गया ना, मेन क्लॉज पे. और ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा मेन क्लॉज. क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज कहलाएगा ये. मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस जब बताए थे तब बताया था ना मैंने. Yes, sir. तो ये समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप. Yes, sir. और यहां पर अगर आप देख रहे हो ना, ये वाला ही इज ऑनेस्ट, ये भी इंडिपेंडेंट है ना. यस सर. इसको अलग से अपन बोल सकते हैं. यस सर. इंडिपेंड. ठीक है सर. एफ लगा दिया. कहां लगा दिया, जबरदस्ती नहीं लगाया ना. बोलना सर, अब तो डी लगा दिया. अच्छा, इसका प्रूफ है, आप वीडियो में देख लेना. अच्छा, ये भी बात है. वेरी गुड. अच्छा, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया.
इंडिपेंडेंट, ठीक है, मैंने और इसको अच्छे से लिख दिया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना? यस सर, यस सर। और यहां पर अगर आप देख रहे हो, मैं इसको कॉपी कर दू ना, ये भी इंडिपेंडेंट है ना? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? यस सर। तो दोनों इंडिपेंडेंट है ना? यस सर। लेकिन नीचे वाले में ये वाला डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो वन क्लॉज इज डिपेंड ऑन अदर। यस। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो कुछ कनेक्टिव्स तो ऐसे होंगे जो इक्वल, मतलब बराबर के क्लॉजेस को जोड़ने के काम आएंगे, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के काम आएंगे, जैसे एंड हो गया। आगे बात समझ में आपको? यस सर। एंड कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। और इफ इफ कौन सा कहलाएगा? सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है अधीनस्थ, यानी कि ये वाला जो क्लॉज है यू इनवाइट मी, ये इसके अधीन हो गया या नहीं हो गया? यस सर। अधीन होने का मतलब क्या हो गया? इसके बिना काम नहीं कर सकता ना। यस सर। ये वाला yes, जो क्लॉज है, ये वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको पूरा कर देता हूं मैं, डिपेंडेंट है ना? यस सर। डिपेंडेंट हो गया ना ये? Yes, ये जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है, ये मेन के ऊपर डिपेंड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया या नहीं हो गया? हो गया सर। अच्छा, मैंने गलत लिख दी ना स्पेलिंग, जब भी देखूं मैं लाइन लाइन कैसे आ रही है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है? यस सर। तो ये अधीन हो गया ना इसके, यानी कि यू इनवाइट मी, ये वाला जो क्लॉज है, ये क्लॉज इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। इसके बिना अपन इसको नहीं बोल सकते ना? नहीं सर। तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, जो किसी के अधीन हो। yes, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? yes, तो हम क्या करेंगे, जो कनेक्टिव्स है ना, इनको हम, कुछ कनेक्टिव्स ऐसे होंगे जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स कहेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेंगे। कुछ क्लॉज, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होंगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करेगा। समझ रहे हैं ना? बोला करो। यस सर। यस यस सर। किस सोच में पड़ जाते हो तुम? अब मेरी बात समझ में आई आपको? यस yes, सर। तो मैंने सबसे पहले कहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कहा ना मैंने? यस yes, सर। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, देखो मैं इसके बारे में एक लाइन लिख देता हूं आपको। लिख दूं क्या? यस यस। दीज सर, ई आई ले, नाराज मत हुआ कर तू बस। दीज कंजंक्शंस जॉइंस या कनेक्ट्स, ठीक है ना? यस सर। क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। समझ में आ गई बात? yes. मतलब इक्वल रैंक का मतलब समझ में आ गई ना आपको बात? इक्वल रैंक समझ में आ गई कि नहीं आई बात? yes, sir. Yes, sir. और जैसे मैंने आपको बताया था, बराबर के क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेंगे अपन। yes, अब मैं इक्वल रैंक का मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ,
सुनो, जैसे जयपुर का कलेक्टर और अजमेर का कलेक्टर, यस सर, दोनों इक्वल रैंक के हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अब सुनो जरा, सबऑर्डिनेट क्या होता है? जयपुर का कलेक्टर, यस सर, और एक जयपुर का एडिशनल कलेक्टर। अब एडिशनल कलेक्टर जो होगा ना, वो जो मेन जो कलेक्टर है ना जयपुर का, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो। यस सर। तो उसका सबऑर्डिनेट हो गया कि नहीं हो गया वो? यस सर। हो गया ना? यस सर। अच्छा और समझा दूं मैं आपको, सबऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे आरएएस के एग्जाम होते हैं, तो कुछ तो मेन में सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग तो मेन आरएएस बन जाते हैं वो तो, और कुछ उनके नीचे वाली जो पोस्ट होती है ना, उस पे सेलेक्ट होते हैं वो उनकी रैंकिंग के हिसाब से। तो वो सबऑर्डिनेट हो गए कि नहीं हो गए? तो अपन दो तरीके की बात करते हैं भाई, आरएएस में सिलेक्शन हो गया, मेंस में या सबऑर्डिनेट में। अरे यार मेरा तो, मैं ना सबऑर्डिनेट में रह गया, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा। सबऑर्डिनेट समझ में आ गया अब आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई बात आपको? Yes, अब कुछ जो कनेक्टिव्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, ये मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सम कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स या कंजंक्शंस। फिर स्पेलिंग गलत हो गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Conjunctions are following. ये भी गलत हो गया। ओह। ठीक है? Yes, sir. अब ये कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना? जैसे हमने कह दिया एंड हो गया, है ना, yes, बट हो गया, इनको थोड़ा याद कर लेना आप, कौन से कोऑर्डिनेटिंग है और कौन से सबऑर्डिनेटिंग है और कौन से क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेना बस। yes, फोर हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, ऑल्सो हो गया, ठीक है, आइदर आइदर और, ठीक है, नाइदर, एक साथ ही आएंगे, डॉट डॉट का मतलब ये है, नॉर। तो सर ये आगे वाला पे नॉर कौन सा वाला लिखा है? ये अलग होता है, अलग होता है। अभी डिटेल में बात करेंगे अपन सारी, स्टिल Only that, ठीक है, एक साथ ही ले लो ना इसको, only that हो गया, ठीक है, not only, आ रहा हूं मैं, एक होता है खाली neither, ठीक है, Neither preposition, ये वो भी होता था, ध्यान हो तो आपको, एडजेक्टिव में भी पढ़ा था अपन ने इसको। yes, sir. Yes, sir. Else हो गया, yet हो गया, so हो गया, not, only, also, but, also हो गया, ये दोनों एक साथ आएंगे। yes, sir. समझ में आ रही है बात आपको? yes. As well as, डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे इनको, पहले एक बार रफली आपके सामने आ जाने चाहिए, अदरवाइज ठीक है। Nevertheless, आप में से कई लोग तो nevertheless को यूज करना सीख चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हो। yes, sir. समझ में आ गई बात? और डॉट डॉट yes. और भी हो सकते हैं, क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर। यस सर। बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से? यस सर।
यस सर। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपके लिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये मैंने इसको कर दिया ऐसे हाईलाइट, और ये इसके डेफिनेशन को मैं अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। थोड़ा सा मजा आता ना, अलग अलग रंग का होता है तो, ठीक है? ये वाला या ये वाला बोलो कौन सा चाहिए, ग्रीन और ब्लू? ग्रीन ग्रीन ये ब्लू। चलो अगला वाला ब्लू डाल देंगे, ठीक है? यस सर। और इनको अपन क्या करते हैं, ब्लू में डाल देते हैं, ये लो नाराज मत हो कोई भी। यस सर। ये लीजिए, ये डाल दिया इनको ब्लू में अपन ने। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। अच्छे लगेंगे ना सुंदर सुंदर से। है क्या रह गया बताओ? क्लियर हो गया? यस सर। समझ में आया आपको थोड़ा सा? Yes, पर अब मैं इसको बंद कर दूं? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।